खबर हमारे पास भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक ली है घरेलू हिंसा को लेकर। उच्च अधिकारियों की बैठक ली है घरेलू हिंसा के खिलाफ। सीएम ने कठोर कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएस इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी समेत वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जो तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक ली है घरेलू हिंसा को लेकर। उच्च अधिकारियों की बैठक ली, सीएम ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में सीएस इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से लगातार घरेलू हिंसा की खबरें हम देख रहे थे, अब लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, कठोर कानून की बात कह रहे हैं। बिल्कुल संचिता, जिस तरह से अभी सागर, भोपाल और बैतूल में घरेलू हिंसा के मामले आए, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं न कहीं गंभीर हुए। और जिस तरह से वो हमेशा इन सब चीजों को लेकर के पूरी गंभीरता से देखते हैं, संवेदनशीलता के साथ, तो वहाँ आज उन्होंने आनंद फानन में उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई। यहाँ तक कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए और इसमें फैसला लिया गया कि किस तरह से जो घरेलू हिंसाएं होती हैं तो इनको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि जो बाहरी हिंसाएं हैं उनको तो रोकने के लिए सरकार के पास कई सारे नियम हैं, कानून हैं, लेकिन जो घरों के अंदर जो हिंसाएं होती हैं किसी भी रूप में, तो उसको रोकने के लिए कुछ कड़ा प्रावधान होना चाहिए, कुछ कड़ा कानून होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डर हो। तो इसी को लेकर के यहाँ पर सुझाव मांगे गए हैं। उम्मीद है कि आगे चल करके इसका एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा। जिस तरह से लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है, सरकार ने बनाया है, तो कुछ उसी तरह से घरेलू हिंसा को लेकर के भी सरकार अब आगे तैयार हो रही है कि बड़े कानून बनाए जाए ताकि लोगों में एक डर हो, जहां भी घरेलू हिंसाएं देखने को मिलती हैं तो वो रुकें और लोग अमन चैन के साथ घर में रह सकें। तो ये एक सार्थक यहां पर बैठक कही जा सकती है। संदीप, अलग अलग विभागों से भी इस संबंध में क्या फीडबैक लिया जा सकता है, सुझाव मांगे जा सकते हैं? अब बिल्कुल संचिता, इस बात कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज सीएस की बैठक हुई और इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, तो उम्मीद की जा रही कि आगे चल करके कुछ और विभागों से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी सलाह मांगी जाएगी, क्योंकि कानून तो बनाना आसान है लेकिन उस कानून का पालन किस तरह से होना है और जो घरों के अंदर हिंसाएं हो रही हैं उनको किस तरह से रोकना है। तो इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि लोगों से और सलाह मशवरा किया जाएगा, रायशुमारी की जाएगी, अन्य विभागों से भी जानकारी ली जाएगी, ताकि एक सख्त कानून रहे और लोग उसके प्रति जागरूक भी हों, क्योंकि कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को जागरूक करना भी बड़ी बात है। तो सरकार की कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि लोग इस तरह से घरेलू हिंसाएं ना करें। जी संचिता, बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली है घरेलू हिंसा को लेकर। उच्च अधिकारियों की बैठक ली, सीएम ने घरेलू हिंसा के खिलाफ कठोर कानून बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।